नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ पलक जैन। नगर निगम चंडीगढ़ की हाउस मीटिंग में पहली बार पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया शामिल हुए। इसके साथ ही बैठक के दौरान उन्होंने वित्तीय संकट से उभरने के लिए अपना मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हर एंगल से कामकाज समझने की कोशिश करूं और लोगों की समस्याएं सुनकर उनका हल भी करूं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए काम करने का तौर तरीका जनता को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। क्या है कि मैं जब यहाँ राज्यपाल और एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आया हूँ तो मेरा ये दायित्व था कि मैं हर एंगल से समझने का प्रयास करूँ कि मुझे किस तरह से कहाँ क्या काम करना है। तो ये सब जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक की आवाज हैं, इनको भी इनके बीच में भी आकर के परिचय भी करूं और इनसे समस्याओं को समझ करके जो इनकी मैं मदद कर सकता हूं वो मैं आगे उसकी मदद करने का प्रयास करूं। और जो कुछ भी मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जो अनुभव है मेरे, वो भी मैंने शेयर किए कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं तब हमारा सिंबल पार्टी होती है, लेकिन इलेक्ट हो जाने के बाद सारी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। मतलब हमारा काम करने का तौर तरीका सारी जनता को ध्यान में रख करके ही आगे करना चाहिए। और जहां जहां लीकेज लगता है कि यहाँ आमदनी बढ़ाई जा सकती है तो बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, छोटे लोगों को कम से कम परेशान किया जाए और बड़े लोगों से कुछ से शक्ति करने से अगर हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो पहले उसमें प्रयास करना चाहिए। और सामान्यतः मैं सोचता हूँ कि हम पार्टी अलग अलग हैं लेकिन चंडीगढ़ के विकास के लिए हम सबका दिमाग एक होना चाहिए कि किस तरह से हम चंडीगढ़ को आगे ले जा सकते हैं। तो मेरी जो कुछ ध्यान में था, मैंने कुछ सुना है, ये मुझसे मदद चाहते हैं, सरकार से मदद चाहते हैं, हम प्रयास करेंगे कि हम इनकी बात को कैसे पूरी कर सकते हैं।